हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मी किचन। मैं हूँ नेहा। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कटहल कोफ्ता। तो आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई गर्म कर लिया था। डाल दिया यहाँ पे एक चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है हमारा। डाल देंगे इसमें हम थोड़े से लहसुन। मैंने मैंने इस तरह से इसे काट लिया है। इसे हम भूनेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम, मैंने दो प्याज लिया था जिसमें मैंने रफली चॉप कर लिया है। डाल देंगे प्याज और इसे भी हम करीब दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। डाल देंगे इसमें टमाटर। मैंने एक टमाटर लिया जिसमें मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे भी भूनेंगे हम। प्याज अदरक लहसुन सबका पेस्ट टेस्ट की जानते हैं भूनना है। मसाला हमारा अच्छे से भून गए। हम गैस को अपने बंद कर देते हैं और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद से हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हमारा, तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटहल को तीन सीटी में उबाल लिया है। इसे हम मैश कर देंगे। तो अच्छे से मैश हो गए हैं। डाल देंगे इसमें हम बेसन। तो हम डालते हैं इसमें यहाँ पे दो चम्मच बेसन, साथ ही डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम तलेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम ये बॉल बना लेते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा सब शेप चाहिए उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। तो मैं इस शेप को बना रही हूँ। इसी तरह से हम बॉल बना लेते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान। इसमें बनाने के लिए हमें हाथ में तेल या बटर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इजीली बाइंड हो जाता है। तो हम बना रहे हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे चेक करते हैं। तो डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी टुकड़ा और हमारा तेल अच्छे से गर्म है। डाल देंगे इसमें हम ये कोफ्ते। तो डाल देते हैं इसमें कोफ्ते। हमें कोफ्ते को गोल्डन ब्राउन करना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम हल्का हल्का तलेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसका बाहर का पोर्शन कड़ा हो जाएगा, अंदर ही अच्छे से पकेगा नहीं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि अच्छे से ये पक जाए अंदर तक। अब देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और हमारे कोफ्ते अच्छे से तल गए। इसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने वापस कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई डाल दी दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। डाल दें इसमें हम एक पिंच जीरा और जीरा को हम छिटकने देते हैं। जीरा छिटक गया है हमारा। डाल देंगे इसमें मसाले जो मैंने हमने बनाया था। इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे। डाल देंगे इसमें हम बाकी के सारे मसाले। डाल देते इसमें हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। डाल देंगे यहाँ पे हम एक कप पानी। तो डालते हैं हम इसमें एक कप पानी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर हम एक उबाल आने देंगे। ढकने के पहले इसमें हम नमक डालेंगे। सॉरी मैं बताना भूल गई थी। तो इसमें डालते हैं हम नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर एक बार आने देते हैं। तो ग्रेवी में एक अच्छा उबाल आ चुका है। डाल देंगे इसमें हम ये कोफ्ते और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे ढककर। हमारा कोफ्ता अब तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसे हम मिक्स कर देते हैं। तैयार है हमारा कटहल का कोफ्ता। आप मेरी इस रेसिपी जरूर बनाइएगा। आप वर्षा मेरे चैनल को विजिट करें हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरी रेसिपी के साथ।